नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है क्लोथिंग एंड पर्सनालिटी, और ये लेक्चर बीए पार्ट टू होम साइंस की छात्राओं के लिए उपयोगी है। तो आइए हम देखते हैं कि क्लोथिंग और पर्सनालिटी क्या है, आपका परिधान कैसा होना चाहिए और उस परिधान का आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्लोथिंग का और आपकी पर्सनालिटी का, मतलब परिधान और आपके व्यक्तित्व में एक संबंध होता है, और वो संबंध क्या होता है ये आगे के हम इन लेक्चर्स के जो स्लाइड्स हैं उसमें देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी होती है या आपकी वेशभूषा से निर्धारित होती है। कई बार जो हम लोगों से मिलते हैं तो हम पहली बार उनके परिधान से या उनके पहनावे से, उनकी ड्रेसिंग सेंस से ही हम अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह का उनका व्यक्तित्व होगा। आपकी वेशभूषा जो होती है वो एक तरह से आपके व्यक्तित्व की मौन रूप से व्याख्या करती है, और परिधान का उपयोग हम केवल अपने शरीर को ढांकने के लिए ही नहीं बनाते, यूज करते उनका, बल्कि हम अपने आप को आकर्षक और सुंदर दिखाने के लिए और अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए परिधान का उपयोग करते हैं। इसलिए इस संबंध में एक कहावत भी है जो आपने भी सुनी होगी, खाइए अपनी पसंद का और पहनिए दूसरों की पसंद का। तो दूसरों की पसंद का पहनने से मतलब है कि जो दूसरों को देखकर अच्छा लगे आप पर, और लोग कहें कि ये आप पर फब रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो ऐसे परिधान जो है हमेशा पहनने चाहिए। क्लोथिंग जो है वो परिधान जो है वो हमारे व्यक्तित्व पे बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं और हमारी सफलता में एक सशक्त व्यक्तित्व का बड़ा योगदान होता है। अब सवाल ये है कि व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए जिससे कि दूसरों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। आपका पहनावा, वेशभूषा, आपका हाव भाव, ये सब चीजें जो होती हैं आपके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जीवन जीने के लिए उन्हें तीन चीजों की जरूरत होती है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी या भोजन के साथ साथ आजकल परिधान जो है, वेशभूषा जो है, वो भी मनुष्य के लिए अति आवश्यक वस्तुओं में शामिल हो गए हैं। मनुष्य ने निरंतर प्रगति की है, तरक्की की है, और कला और संस्कृति के विकास के साथ साथ उन्होंने भी साधारण वस्त्र को छोड़कर कलात्मक परिधानों को अपनाया है, और ये कथन बिल्कुल सत्य है। निसंदेह हम कह सकते हैं कि वस्त्र जो है वो व्यक्ति को बनाते हैं और उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। वस्त्रों में समय के साथ साथ निरंतर परिवर्तन हुए हैं और अलग अलग मौसम में या अवसर पर अलग अलग वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, और इससे मनुष्य जो होता है वो उचित परिधान धारण करने से उसे समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है, और साथ ही साथ उसमें एक आत्मविश्वास की भावना जो होती है वो जागृत होती है। परिधान से व्यक्ति की अभिव्यक्ति जो होती है वो भी सॉरी परिधान से व्यक्ति की अभिरुचि परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, और हमारा मन जो है उस पर भी परिधान का गहरा प्रभाव देखा जाता है। क्योंकि परिधान एक ऐसी चीज है जो हर पल हर घड़ी हमारे साथ होते हैं, इसलिए इनके चयन के समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी पसंद के अनुरूप परिधान धारण करना चाहता है, तो इस दृष्टिकोण से परिधान ऐसे होने चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनालिटी को आकर्षक बनाए। और हम सभी ये जानते हैं परिधान जो है वो ऐसा करते हैं, इसलिए परिधानों का चयन जो है बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अच्छे पोशाक पहनने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी सोच जो होती है वो अच्छी होती है, सकारात्मक होती है, और इससे हम में एक आत्मविश्वास की भावना जागती है जो कि हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वेशभूषा जो है उसका व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव और उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य कुशलता होती है, उस पर भी पहनावे का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार से हम कार्यालय जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, और तब हम क्या करते हैं, वहां के वस्त्र हमारे परिधान अलग होते हैं, और घर में हम जो
रहते हैं, वहां के परिधान हमारे अलग होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम परिधान जो है अपने अवसर, व्यवसाय और स्थान, कहाँ हम जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखकर हमें अपने परिधान का चयन करना चाहिए, जिससे वह देखने में एक अच्छा प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक व्यक्ति की पहचान होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपने देखा होगा पुलिस वालों को, पुलिस आर्मी हो गए है ना, और डॉक्टर्स हो गए, वकील, इनका एक यूनिफॉर्म है। इस यूनिफॉर्म से आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति अमुक सर्विस में है, अमुक सेवा में है। साथ ही साथ ये परिधान जो होते हैं, ये आप में एक यूनिफॉर्म के रूप में, एक में अनुशासन का प्रतीक भी होते हैं। तो परिधान हमारे लिए हमारी पहचान होती है, और साथ ही साथ ये एक अनुशासन में रहने की एक हमें प्रेरणा जो है वो देती है। हम जहां जा रहे हैं वहां पर लोगों की वेशभूषा कैसी होगी, कैसा वो लोग, उन लोगों का पहनावा होगा, इस बात को आपको खास ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप किसी से मिलने जा रहे हैं जो पद में आपसे बड़े हैं, तो कोशिश करिए आप उनकी तरह ही अपना ड्रेसिंग जो है वो करें, और नहीं तो उनसे कुछ कम उसमें कर सकते हैं फॉर्मूलस में। और यदि आप किसी छोटे पद से, मतलब आप पद में बड़े हैं, आपसे कोई छोटा है उनसे मिल रहे हैं, तो उस समय पर आप जो है अपनी वेशभूषा या अपने पहनावे को थोड़ा सा कैजुअल कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब जहां जिस स्थिति में हम जा रहे हैं उसके अनुरूप हमें अपना पहनावा या अपनी वेशभूषा रखनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि पहनावा, आप कुछ भी पहने, जरूरी नहीं कि आप हमेशा नए कपड़े ही पहने, लेकिन जब भी आप जो परिधान पहनते हैं वो भली भांति साफ सुथरे होने चाहिए, प्रॉपर फिटिंग के होने चाहिए, अच्छी तरह से आयरन किए होने चाहिए। इससे आपका एक सफल और सकारात्मक व्यक्तित्व जो है वो देखने को मिलता है। परिधान क्या है? परिधान जो है ये हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, हमारी पहचान होते हैं, हमारे सुंदरता आकर्षक को बढ़ाने का काम करते हैं। इससे हमारे व्यक्तित्व, व्यवसाय और सामाजिक स्तर पर ये हमें दर्शाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जो परिधान है वो सिर्फ उसके पहनावे से हम नहीं परख सकते, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो हम सिर्फ ये देख के नहीं बता सकते कि उसका पहनावा कैसा है, बल्कि पहनावे से हम सिर्फ उसके बाहरी व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं। बाहर से देखकर हम समझ सकते हैं कुछ कुछ उसके बारे में। तो इस तरह से परिधान जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण में परिधान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि किसी भी इंसान का जो व्यक्तित्व है, परिधान जो है उसका आईना होते हैं। परिधान के माध्यम से हम उस व्यक्ति के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन यह आईना सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व को दिखाता है। परिधान के साथ साथ उसके बातचीत करने का तरीका, उसकी चाल ढाल से हम उसके व्यक्तित्व को और अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह से इंसान की यही समझ जो होती है उसके परिधान और उसके व्यक्तित्व में झलकती है। मतलब हम किस तरह से अपना पहनावा रखें, किस तरह के हम परिधान पहने जो हमारे व्यक्तित्व को आकर्षक और सही तरीके से दूसरों के सामने दर्शाए, ये जो होती है इंसान की यही समझ जो है उसके परिधान द्वारा उसके व्यक्तित्व में झलकती है। व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता है उसे उसके अनुरूप वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। शारीरिक श्रम जो करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए वस्त्र जो है वो आरामदायक, आसान देखभाल के, उत्तम कार्य क्षमता वाले होने चाहिए। जबकि जो मानसिक कार्य करते हैं उनके लिए वस्त्र चुस्ती फुर्ती बनाए रखने वाले, मन को प्रसन्न रखने वाले, उनकी पद और प्रतिष्ठा के अनुकूल होने चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर फिटिंग के और कंफर्टेबल होने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को सिर्फ बाहरी आकर्षण से पैदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने आप को आकर्षक दिखाने के लिए अच्छे नए वस्त्र पहनते हैं, मेकअप करते हैं, अपनी हेयर स्टाइल ठीक करते हैं, कुछ ज्वेलरी वगैरह है वो भी लेडीज जो है वो कैरी कर लेती हैं। तो इससे इस तरह का जो आकर्षण होता है वो सिर्फ बाहरी आकर्षण होता है और वो क्षणिक होता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने व्यक्तित्व में आंतरिक गुणों को इस तरह से विकसित करें कि वो आपके व्यक्तित्व में झलक कर दिखाई दे सामने से, जिससे सामने वाला आपके व्यक्तित्व से आकर्षित हो।
परिधान आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं परिधान जो है उचित फिटिंग के होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से ढीले परिधान पहनना पसंद करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो थोड़े से तंग या चुस्त परिधान पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो ढीला परिधान पहनना पसंद करते हैं वो शांत, कोमल, सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं, और ऐसे लोग धैर्यवान होते हैं और दूसरों को राह दिखाने वाले होते हैं और खुद किसी भी परिस्थिति में ढलने को तैयार होते हैं। जबकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग तंग परिधान पहनते हैं या थोड़े टाइट फिटिंग के फैब्रिक पहनना कपड़े पहनना पसंद करते हैं वो चुस्त फुर्तीले होते हैं, उनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, अस्थिर स्वभाव के होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, वो निडर होते हैं, साहसी प्रकृति के होते हैं, और उनके मस्तिष्क में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिसको कुछ वो नया करना चाहते हैं, और एक ही काम के साथ बहुत अधिक वो बहुत समय तक एक ही काम को नहीं कर पाते। इस तरह से ये कुछ ड्रेसेस के टाइप्स दिखाए गए हैं जिनका उपयोग हम ओकेजन के अवसर और जो हमारा व्यवसाय है, जैसा समय है, जैसी स्थिति है, उसके अनुसार करते हैं। व्यक्तित्व के हिसाब से यदि देखा जाए तो इंसान जो है वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनके आने से हमारे आसपास का वातावरण सुखद हो जाता है, और दूसरे वे होते हैं जिनके जाने से हमारे आसपास का वातावरण सुखद हो जाता है। तो ये आप पर और हम पर निर्भर करता है कि हम अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना चाहते हैं, इन दोनों श्रेणियों में से हम किस श्रेणी में अपने आप को रखना पसंद करेंगे। व्यक्तित्व, अब हम देखते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो क्या होता है। तो व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो उसके पूरे संपूर्ण उसके जो गुण होते हैं उसको हम कहते हैं। व्यक्तित्व शब्द को या व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, और पर्सोना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आपकी बाहरी वेशभूषा या फिर मुखौटा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्ति के बदले हुए रूप से, ठीक है, जिसमें उसकी बोलचाल, उसकी वेशभूषा, उसका व्यवहार, उसका रंग रूप, ये सारी बातें उसमें शामिल होती हैं। व्यक्तित्व की परिभाषा कुछ लोगों ने दी है, उनके अनुसार ग्रीनलीफ जी है, उनका कहना है कि आपका व्यक्तित्व मुख्य रूप से चार बातों से निर्धारित हो सकता है। किस प्रकार आप देखते हैं, किस प्रकार आप अनुभव करते हैं, आप क्या कहते हैं और आप क्या करते हैं। और साथ ही साथ वुडवर्थ ने ये कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो केवल उसके पहनावे से हम नहीं अनुमान लगा सकते, उसके सारे जो गुण होते हैं वो मिलकर उसके व्यक्तित्व को, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। व्यक्तित्व के कई प्रकार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्राचीन समय से ही हम हर व्यक्ति को किसी ना किसी किरदार में या किसी ना किसी श्रेणी में विभाजित करते हैं। जैसे कभी हम कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं या कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो हम अपने मन में ये सोचने लगते हैं कि अरे यार ये व्यक्ति या इस तरह का जो किरदार है वो अच्छा है, सच्चा है, बुरा है। तो इस तरह से हम लोगों को एक श्रेणी में बांट लेते हैं, और उन्हीं के अनुसार मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि व्यक्तित्व जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। लेकिन इनके बातों के अलावा सामाजिकता के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट वे होते हैं जो एकांत प्रिय होते हैं, अपने ही काल्पनिक संसार में रहना पसंद करते हैं, इनमें संवेगों की प्रधानता होती है और ये शीघ्र निर्णय लेने का इनमें अभाव होता है, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। बहिर्मुखी लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव के ही लोगों से काफी मिलना जुलना पसंद करते हैं, समाज में इनका काफी आना जाना होता है। उभयमुखी वे लोग होते हैं जो अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाते और ये किसी पर डिपेंड करते हैं कि कोई आए उनसे परामर्श ले और उसके बाद अपने निर्णय ले। तो इस तरह से तीन तरह के व्यक्तित्व जो है हमें देखने को मिलते हैं। ये कुछ प्रकार के ड्रेसेस बताए गए हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप कैरी कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स शुड यू वियर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। अब हम देखते हैं कि फैशन, वस्त्र और व्यक्तित्व, ये तीनों आपस में किस तरह से कनेक्टेड है या संबंधित है। परिधान ऐसे हो जो आपको या आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाए, और व्यक्ति को हमेशा अपने शरीर की आकृति, रंग, मौसम, समय, इन बातों को ध्यान में रखकर परिधान पहनना चाहिए। सुरुचिपूर्ण और समय के अनुसार पहने गए वस्त्र जो होते हैं आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोगों के व्यक्तित्व में बहुत आकर्षण होता है, और ये सिर्फ उनके पहनावे के कारण नहीं होता,
परिधान के साथ साथ उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, उनके बात करने का तरीका, चलने का, उठने बैठने का तरीका, ये सारी बातें जो होती हमें प्रभावित करती हैं। आप भी ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व पा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप महंगे कपड़े या महंगी गाड़ियों का उपयोग करें, इसके लिए आप अपने आंतरिक जो गुण होते हैं उनको विकसित करके अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते हैं। आपका व्यक्तित्व आप स्वयं बनाते हैं और इसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे आपके कपड़े हमेशा साफ सुथरे हो, फ्रेश हो, साथ ही साथ आपकी वाणी में मिठास हो, व्यवहार में शिष्टाचार होना चाहिए, आप हमेशा तनकर अच्छे से चले, गर्दन और कंधे को झुका कर ना चले, स्टाइलिश दिखने के चक्कर में ऐसा कुछ भी ना पहने जो आप पर भद्दा लगे, बेढंगा लगे, है ना। तो किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। चलते समय काफी आराम से चले, हड़बड़ हड़बड़ में ना चले। प्रत्येक कार्य को करने में आप में एक आत्मविश्वास झलकना चाहिए, जिससे भी आपका व्यक्तित्व जो है सामने वाले को आकर्षित कर सकता है। हमेशा प्रसन्न रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहे और आप जो भी बोले वो जितना जरूरी है उतना ही बोले, और आपका उच्चारण जो है वो शुद्ध होना चाहिए। ये कुछ फैब्रिक्स बताए गए, क्लोथिंग रिप्रेजेंट योर पर्सनालिटी ट्रेट्स। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या है, इसको आप परिधान के द्वारा दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। परिधान कब और क्या पहने, तो परिधान पहनना एक कला है और कब क्या पहने ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप ऑफिस में कार्यरत हैं तो उसके अनुसार ही कपड़ा पहने, वस्त्र पहने, और यदि आप किसी समारोह में जा रहे हैं, किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं, तो परिधान जो है उस तरह के होने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि औसत व्यवसाय, मौसम और अपनी उम्र का ध्यान रखकर परिधान का चयन हमेशा करना चाहिए। फैशन और परिधान आज व्यक्तित्व को विकसित करने में परिधान की भी अहम भूमिका होती है। और बच्चे, युवा, प्रौढ़ सभी जो होते हैं फैशन के दीवाने होते हैं। हर कोई फैशनेबल कपड़े पहनना चाहता है, फैशन के साथ चलना चाहता है। तो फैशन जो है वो केवल पहनावे से नहीं होता, उसके साथ जो हम फैशन की एक्सेसरीज उपयोग में लाते हैं, जो उपसाधन होते हैं, जैसे हमने किस टाइप का शूज पहने हैं, कैसे हमने उसमें बेल्ट यूज किया है, किस तरह का हमने हैट यूज किया है, हमारी हेयर स्टाइल कैसी है, कैसे हम ज्वेलरी कैरी कर रहे हैं, घड़ी कैसा है, पर्स कैसे, ये सारी चीजें मिलकर जो है एक फैशन का साथ निर्माण करते हैं। मतलब फैशनेबल कपड़ों के साथ साथ आपको इनकी जो एक्सेसरीज है उनको भी बहुत सावधानी पूर्वक उनका चयन करना चाहिए। व्यक्ति फैशन क्यों करता है, इसके पीछे भी दो मनोवैज्ञानिकों ने कारण बताए हैं। पहला जो है वो सबसे अलग दिखने की इच्छा और दूसरा सबके समान दिखने की इच्छा। तो यदि जैसे हम एक ग्रुप में है जिसमें 4-5 लोग हैं, तो 4 बच्चे यदि एक जैसा ड्रेस या फैशनेबल जो परिधान है वो कैरी करते हैं, तो जो 5वां बच्चा होगा उसके मन में भी ये आएगा कि अरे यार मैं भी इनके समान कपड़े पहनूं, तो वो भी इस तरह से फैशन को फिर उसमें आ जाता है, फैशन के चलन में आ जाता है। तो इस तरह से फैशन की, किसी भी फैशन की उत्पत्ति जो होती है वो इसी तरह से होती है कि हम जो होते हैं वो सबसे अलग दिखने की इच्छा रखते हैं या फिर सबके समान दिखने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद हम देखें, कोई भी फैशन जो होता है वो बुरा नहीं होता, तो फैशन के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। और जैसे कि हम बाकी समाज में अपनी जागरूकता रखते हैं, और फैशन जो है हमेशा शालीन होना चाहिए, आपके व्यक्तित्व के अनुरूप होना चाहिए। आप भी बन सकते हैं आकर्षक व्यक्तित्व के धनी। बस ध्यान दीजिए कुछ चंद बातों पर, उनको आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो जरूर आप भी आकर्षक व्यक्तित्व के धनी बन सकते हैं। जैसे कपड़ों का चयन अपने शरीर आकृति के अनुसार करें, कभी किसी की नकल ना करें कि उस पे ये अच्छा दिख रहा है ये फैशन तो हम भी उसको पहन लें। जरूरी नहीं है कि वो आपको पर भी अच्छा लगे, तो नकल करने के लिए बहुत अधिक नकल की आवश्यकता होती है, इससे सावधान रहिए। यदि आप सांवले रंग के हैं तो हल्के रंगों के वस्त्रों पर आप पर खिलेंगे, साथ ही साथ आप डार्क कलर की तरफ भी जा सकते हैं। मौसम और अवसर के अनुरूप वस्त्र पहने, जिससे आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा। सही फिटिंग के होने चाहिए आपके फैब्रिक, साफ सुथरे और आयरन किए होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सेल में जाके खूब सारे कपड़े खरीद लें, आप कोशिश करिए कि आप अपनी कलात्मक रुचि के अनुरूप एक या दो फैब्रिक खरीदिए जो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाकर दिखाए। आप जो भी अपने ड्रेस के साथ शूज या सैंडल्स यूज कर रही हैं वो काफी कंफर्टेबल होना चाहिए। यदि आप स्कर्ट पहनती हैं तो स्कर्ट के साथ आप देख लीजिए, बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए, ऊंची नहीं होनी चाहिए, है ना, शॉर्ट स्कर्ट नहीं होनी चाहिए। उसमें कोशिश करिए आप बेल्ट का यूज करें, जिससे कि इसकी शोभा और बढ़ जाती है। जींस और पैंट पहनते समय
ये ध्यान रखें कि बहुत अधिक टाइट ना हो, क्योंकि ये देखने में अच्छे नहीं लगते। इन सब के साथ साथ चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखिए और बोलने में शालीनता रखिए। ये सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये कुछ कैजुअल वियर्स हैं जिसको आप कैरी कर सकते हैं। वस्त्रों के व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में बहुत अधिक भूमिका, अहम भूमिका होती है, और ये हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं। पुराने समय में भी हम देखते थे कि राजा महाराजा जो होते थे उनकी वेशभूषा या पहनावा अलग होते थे, और उनके जो दरबारी थे या उनकी जनता होती थी प्रजा, उनकी वेशभूषा अलग होती थी। तो पोशाक हमारे जीवन का एक अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये हमारे बारे में इन्हें दूसरों को बताते हैं और दूसरों के बारे में हमें बताते हैं। पोशाक व्यक्ति की पहचान होती है, और समाज के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते नई पीढ़ी को समाज में आगे हमको लाना है, तो इसके लिए हमें अपने और अपने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पास उन्हें वस्त्रों से संबंधित सारी जानकारी, उन्हें सही सही जानकारी जिस समय पर उन्हें बताते रहना चाहिए कि आप किस तरह के कपड़े पहने जिससे आपके व्यक्तित्व का विकास जो है वो अच्छी तरह से होगा। परिधान हमेशा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होना चाहिए। ऐसा परिधान कभी भी ना पहने जिससे आप असहज या अनकंफर्टेबल फील करें और पूरे समय ये सोचते रहें कि अरे यार इसको मैंने क्यों पहन लिया। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा ये जो पहनावा है हमारी संस्कृति को दर्शाता है। अलग अलग देशों के पहनावे अलग अलग होते हैं। पश्चिमी देशों का या पश्चिमी संस्कृति का पहनावा हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता, ठीक है ना। ये नहीं कि उनकी संस्कृति में परिधान अच्छे नहीं है, उनके पहनावे भी काफी अच्छे हैं, लेकिन अच्छी चीजों को आप फॉलो करिए और जो बुरी चीजें हैं उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। अतः हमें सभ्य समाज के निर्माण में युवा पीढ़ी को जागरूक करना है और हमें आदर्श बनकर उनके सामने प्रस्तुत होना है। तो कोशिश ये करिए कि आप ऐसे परिधान धारण करें जो आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाए, सुंदर बनाए और निखार कर सामने लाए। सारांश में कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी चीज की प्रस्तुति जो होती है एक महत्वपूर्ण कला होती है। आप अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं ये आप पर निर्भर करता है, और सभी चीजों में प्रस्तुति कला महत्वपूर्ण होती है। इसलिए परिधान के साथ भी यही है, आप परिधान को इस तरह से पहने कि वो आपके आकर्षण को या आपके व्यक्तित्व को निखार कर प्रस्तुत करे। तो जो लोग इस प्रस्तुति की कला में माहिर होते हैं वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं शुप्रा बैनर्जी।